और आज बात मजदूरों की बेबसी और उस पर हो रही कचरा पॉलिटिक्स की। कोरोना संकट से देश को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। बाजार खुलने लगे हैं, उद्योग धंधे भी चल पड़े हैं। कोशिश देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार यानी मजदूर बेबस है। बड़े शहरों से लाखों की तादाद में मजदूर पलायन को मजबूर है। बेबसी और लाचारी इतनी है कि कई जगह भूखे प्यासे मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा है। इस बीच सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का भी फैसला किया है। अब मजदूरों को ट्रेन के जरिए उनके राज्यों तक छोड़ा जा रहा है, मगर मजदूरों की इस मजबूरी पर सियासत अपने चरम पर है। हर दल खुद को मजदूरों को लेकर मसीहा बता रहा है, अपने आप को मसीहा साबित करने में जुटा हुआ है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी भरपूर कोशिश हो रही है। कोई नेता मजदूरों के साथ बैठकर उनसे बात करता नजर आ रहा है, तो कहीं बसों के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इसके साथ ही मजदूरों की मदद के नाम पर भी बयानबाजी हावी है। राज्य सरकारें भी अपने अपने दावे कर रही हैं, मगर सवाल इस बात का है कि जब हर कोई मजदूरों के लिए काम कर रहा है तो फिर मजदूर परेशान क्यों हैं? आखिर क्यों मजदूरों को भूखे रहना पड़ रहा है? गंभीर संकट के इस दौर में बड़े बड़े शहरों से लाखों की तादाद में मजदूर अपने घर की ओर चल पड़ा है। लगातार वो चल रहा है, जिसके बाद अब शहरों में कामगारों की भारी किल्लत होने के भी पूरे आसार हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मजदूर ही नहीं होंगे तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगे, निर्माण काम कैसे होंगे और अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे लौटेगी? सभी राज्य अगर अपने हिस्से का राशि सहयोग में दे देंगे तो निशुल्क सभी श्रमिकों को उनके घर तक और उनके गृह जनपद तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। संकट की घड़ी में इसके आड़ में घिनौनी राजनीति करने के बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। हम मदद करना चाहते हैं, हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्वित करने का काम जो किया है वो असम में है और आप इसकी क्षमा याचना कर सकते। भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। पचासों लाख लोग गए हैं अपने अपने प्रदेशों में, सब ये चंद बसें भेजकर राजनीति कर रहे हैं। तो आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे और एक राज्य की बात नहीं सुनेंगे, कई राज्यों की बात सुनेंगे। किस तरह से सरकार हो या विपक्ष हो कैसे काम कर रहे हैं और अगर काम कर रहे हैं तो जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहा है, सवाल आज हम बहुत
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जुड़ गए हैं, सुनील जाखड़ साहब, बहुत स्वागत है सुनील जाखड़ साहब आपका। और हमारे साथ समाजवादी नेता जुड़े हुए हैं, रघु ठाकुर हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल, जिन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किया है और ये दूसरे गांधी कहलाते हैं, ये भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ मंत्री हमारे साथ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे। आपका बहुत स्वागत है तीनों का इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सुनील जाखड़ साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसा संकट इस समय देश के सामने है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। आपने भी बहुत काम किया है, अभी जमीन पर हम देखें सर, दावे सब कर रहे हैं लेकिन ये दावे और वादे हमें जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मजदूर जो हैं लगातार चल रहे हैं, उन तक मदद क्यों नहीं पहुंच रही? शर्मा जी, आपने जो बात कही कि ऐसा मंजर शायद, मेरा जन्म तो विभाजन के बाद हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद, परंतु जो भी तस्वीरें देखी हैं उसमें इस किस्म का पलायन या जिसे ग्रेट माइग्रेशन उस समय की कहते हैं, वो किया था गोरों ने, अंग्रेजों ने, बिल्कुल, और उसको किया था धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे उसको अंजाम दिया गया। परंतु आज जो ये पलायन हो रहा है, आज जिस किस्म से प्रवासी हमारे साथी सड़कों के ऊपर परेशान और कट रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, उनको किसने किया? गोरों तो नहीं किया। मैं कहता हूं आज भी शायद गोरे चले गए परंतु काले अंग्रेज यहां आज भी बाकी हैं। आज इनको अमीर और गरीब के बीच में विभाजन किया गया है मुल्क का। अमीर अपने घरों में बैठे हैं, गरीब सड़कों के ऊपर है। ये बहुत ही दुखदायक बात है। और उस समय इतनी दुखदायक बात इसलिए है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में ये कह के वोट लिया था कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैंने अपने हाथ से चाय बनाई है, चाय बनाने वाले का बेटा हूं और गरीब का दुख समझता हूं, गरीब का दुख दूर करूंगा। आज मैं समझता हूं देश की जहां छवि की बात करते हैं, छवि धूमली नहीं हुई, देश के मुंह के ऊपर एक कालक पुतला है। क्यों नहीं दिख रहा? मैं पंजाब की आपको बात बताऊंगा, मैं राजनीति से हटके बात करूंगा, मैं यथार्थ बात करूंगा, जो फैक्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, कहें तो मैं आपको डेटा भी फॉरवर्ड कर दूंगा। हमने पंजाब अब तक करीबन 2.5 से लेके 3.75 लाख हमारे जो प्रवासी साथी हैं उनको ट्रेन से निःशुल्क भेजा है। उनका सारा खर्चा, किराए का खर्चा, उनके खाने का, उनको पानी का, वहां पे लाके ट्रेन तक लेके, बसेस में लेके आके, दूसरे छोटे शहरों से, जिन जिन शहरों से ट्रेन चली है वहां पे उनको लेके आए हैं और उनको भेजा है। कुल 500 ट्रेन भेजने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि पंजाब के अंदर करीबन 11,60,000 प्रवासी हमारे जो साथी थे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था सरकार के पास कि वो अपने वापस जाना चाहते हैं। उनका बहुत बड़ा हिस्सा, 60% हिस्सा यूपी से ही था, बिहार से, झारखंड से और दूसरे प्रदेशों से, वेस्ट बंगाल से भी थे, पर ज्यादातर मुख्यतः यूपी के थे। उनमें से करीबन 3.75 लाख साथियों को हम भेज चुके हैं। कितनी में मिलती हैं? करीब रोज की 20 गाड़ियां हम भेज रहे हैं आज के दिन। मैं समझता हूँ सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, परंतु अभी भी आप देख लीजिए जो 12 लाख से फालतू लोग जाखड़ साहब, मेरा एक सवाल है, जाखड़ साहब आपसे, जी मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका कनेक्शन भी हम तक, मैं बात कर लूं उसके बाद में। जाखड़ साहब आपका कनेक्शन थोड़ा सा टूट रहा है हल्का सा, और आपकी बात मैं पूरी तरह से नहीं सुन पा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मैं तब तक स्वागत करता हूं। हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जुड़ गए हैं, इनके पास महत्वपूर्ण विभाग है, डेयरी विभाग इनके पास है, मत्स्य पालन इनके पास है, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। जाखड़ साहब अब अपनी बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। क्योंकि पंजाब में फैक्ट्रीज फिर से चालू होने जा रही है, इसलिए खाली भी आ रही है। हमारा मानना है करीबन 5 से लेके 7 लाख जो प्रवासी इनमें से वापस घर जाने के लिए आएंगे, और इनके लिए
पंजाब सरकार ने समुचित प्रबंध किया है, 35 करोड़ रुपया इसके लिए रखा है, क्योंकि एक ट्रेन की कीमत जो है करीबन 7 से लेकर 9 लाख रुपए तक का हमें इसका उठाना। इसके लिए जाखड़ साहब 35 करोड़ की जो मंजूरी दी गई थी, मैं बिल्कुल ठीक मान रहा हूं आपकी बात की कोशिशें सरकार की है कि मजदूरों को घर पहुंचाया जाए, लेकिन इसके बाद की जो तस्वीर बनेगी उस पर भी मेरा एक सवाल है। हम एक तरफ चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें चलाया जाएगा, उनको बूस्टअप करने के लिए सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि फैक्ट्री मजदूरों से चलेगी, जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मजदूर पहुंच चुका है अपने घर की तरफ, मजदूर मिलेंगे नहीं, ये चुनौती भी आने वाले वक्त में, इससे कैसे निपटें? जी शर्मा जी देखिए, दो पहलू हैं, एक इसका मानवीय पहलू है। ये जो मजदूर है ये कोई बंधुआ मजदूर नहीं है शर्मा जी, कि आप इनको इनकी इच्छा के बगैर इनको वहां रखें। आज जबकि जैसा एंग्जाइटी का माहौल बना हुआ है, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, हर एक व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है। मेरा मानना है कि दो किस्म के प्रवासी हैं, एक जो लोग सारे परिवार के साथ आए हुए हैं, पति पत्नी अपने बच्चों के साथ, वो तो शायद रुक भी जाएं, उनको अगर केंद्र सरकार उनके खातों में, अगर जिस तरह राहुल जी ने बार बार कहा है कि 5-7 हजार 7.5 हजार रुपए उनके खातों में डाल देती तो वो यहाँ पे रुक भी जाते। पर जिनके परिवार अभी अपने घरों में बैठे हैं, हमने इसका नाम दिया था इस अभियान का, जिसमें सरकार ने इनको घर भेजने का प्रयास किया, शर्मा जी हमने इसको कहा था कर्म भूमि से जन्म भूमि, ये इनकी कर्म भूमि है, ये हमारे मेहमान है, ये कोई हमारे पे बोझ नहीं है। पंजाब ने अगर तरक्की की है तो इन लोगों का खून पसीना उसके अंदर शामिल है, और हमारा दायित्व बनता था और हमने अपना फर्ज निभाया है और निभा रहे हैं और निभाएंगे। परंतु इनको यहाँ रोकने के लिए, देखिए ये कोई घर से यहाँ पे सैर सपाटे के लिए नहीं आए, पंजाब में रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, और 2 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया, 500 रुपए इनके खाते में डाले गए, और वो भी पता नहीं कितनी हमारी बहनों के खातों में डाले गए जनधन खातों के अंदर। 500 रुपए में आप बता दीजिए शर्मा जी, क्या 50 दिन किसी की गरीब का चूल्हा चलता है? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि 500 रुपए नहीं है काफी, सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन जब राज्य सरकारें बहुत ज्यादा ये कहने लगे कि हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है, तब केंद्र सरकार ने राज्यों को जिम्मेदारी दी है, लेकिन क्या ये वक्त ठीक था? मैं आपके पास लौट रहा हूं जाखड़ साहब, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी भी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में वो भी मंत्री हैं, मैं उनसे छोटे कमेंट कर लेता हूं, फिर हमारे साथ समाजवादी नेता भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी हैं, उनके पास भी जाऊंगा मैं। लक्ष्मी नारायण जी, देखिए चुनौती जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों में हम देखें तो कहीं कांग्रेस की है, कहीं मिलीजुली सरकार है, तो कहीं बीजेपी की सरकार है। अब सवाल यह है कि जब सरकारें ये दावा कर रही हैं कि हम मदद कर रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है हम मदद पहुंचा रहे हैं, तो फिर मदद पहुंच क्यों नहीं रही है? क्या इच्छा शक्ति में कमी है, या फिर जो पूरे साइकिल चल रही है, सिस्टम चल रही है, इसमें कहीं गोलमाल चल रहा है? देखिए शर्मा जी, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलके इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, और इसे COVID-19 को हराने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, यहाँ तक पूरे देश की जनता ये जानती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 मार्च को ये कहा था, एक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया, अपील की थी। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 20 मार्च की शाम को ही ये घोषणा कर दी थी, एक हम प्रत्येक मजदूर को 3 महीने का राशन देंगे, प्रत्येक मजदूर के खाते में हम 1,000 रुपये डालेंगे, समस्त पेंशन धारक चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वृद्धा हो, सबके खातों में 3 महीने का एडवांस जाएगा। किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार ने एडवांस डाली, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, और इन दौरान जितने भी हमारे, चाहे वो पंजाब से भाई आए हों, चाहे महाराष्ट्र से, राजस्थान से, चाहे दिल्ली से, कहीं से भी आए हों, और इवन मेरा क्षेत्र हरियाणा से लगा हुआ है, 30% हमारे जो भाई आ रहे हैं उनमें कम से कम बिहार के हैं, यहाँ समस्त जितने आने वाले हमारे भाई हैं सबको
उनके गंतव्य स्थान पे बस से पहुंचाया गया, ट्रेनों से भी उन्हें लाया गया। और यहाँ हमने राजस्थान में हमारे 10,000 छात्र थे, उन 10,000 छात्रों को भी हमारी बसें वहीं जाके यहाँ लाई। बिल्कुल, सबको भोजन दिया गया है, सबकी टेस्टिंग कराई गई है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ लक्ष्मी नारायण चौधरी, यहाँ लॉकडाउन के दौरान एक छोटा सवाल है सर मेरा, वाले भाई हैं ये जो सरकारों की दिक्कत है सर, आपने राजस्थान सरकार का जिक्र किया, मैं भी वही जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि एक राज्य की सरकार अगर किसी दूसरी पार्टी के वहां सरकार है तो वो कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं, ये वाले प्रदेश की सरकार मदद ठीक से नहीं कर पा रही है। जब इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, आपने देखा महाराष्ट्र से किस तरह से सामना में छपा कचरा पॉलिटिक्स की बात की गई और एक वोट बैंक का कचरा बता दिया गया, जब इस तरह से सामंजस्य नहीं बैठेगा तो सर कैसे काम चलेगा? फिर तो वही सर हम देख रहे हैं, कई जगह हादसे हो जाते हैं, कई मजदूर अभी भी सड़कों पर हैं। इस तरह की टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विश्वव्यापी महामारी है, इसमें हमारा हिंदुस्तान एक होके लड़ा है और एक होके ही हम इस पे कोरोना वायरस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम किसी की आलोचना न करके जितना भी हम अपने प्रवासी भाइयों की जो मदद कर सकते हैं उतनी इस समय हमको करनी चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मैं बता दूं हमारे साथ इस समय राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, वो भी जुड़ चुके हैं, सुनील जाखड़ साहब बने हुए हैं, मैं समाजवादी नेता रघु ठाकुर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और जितना उन्होंने जमीन पर काम किया है समाज के लिए, मुझे नहीं लगता कि लंबे समय से वो इस काम में जुटे हुए हैं और उनसे बेहतर कोई स्थिति बता पाएगा कि आखिर स्थिति किस तरह से बदलेगी मजदूरों की, जो हम बेबसी देख रहे हैं, बेबस मजदूर हैं लेकिन पॉलिटिक्स उस पर खूब हो रही है। रघु जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो सवाल तो खड़े करती ही है और ये भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये हमारे ही मजदूर हैं, इनको खाना देना सरकारों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इन तक जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। आप क्या मानते हैं, किस वजह से इन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, कहां पर कमी है? देखिए सरबजी, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, मैं मानता हूं कि ये जो महामारी है और जो महामारी के बाद की उत्पन्न परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में को पैदा करने में हिंदुस्तान की सरकार का अनियोजन, अनप्लान्ड तरीके से काम करना मुख्य कारण है। ये जो सूचना थी, ये सूचना WHO ने हम लोगों के दिसंबर में दे दी थी। अगर आप PIB की रिपोर्ट को देखें तो PIB ने खुद ही जारी किया है कि दिसंबर माह में उनको सूचना मिल गई थी कि महामारी फैल रही है। अगर उसी समय सरकार ने, भारत सरकार ने ये काम किया होता कि लोगों को 7 दिन का समय देकर उनके घर पहुँचा देते और सारी गाड़ियों से पहुँचा देते तो आज जिस प्रकार का संकट आयु नहीं आता। पर उस गलती की वजह से संकट आया है। अब इस संकट के लिए हल करने का जहाँ तक सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ सरकारें इस संबंध में प्रयास कर रही हैं, परंतु मैं एक बात उनको साफ तौर पर आपको बताऊं कि आज भी अगर लोगों को खाना या पानी मिल रहा है तो 90% खाना और पानी हिंदुस्तान के समाज के लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, सरकार की भूमिका 10% से भी कम है। प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज आया है, उस पैकेज को आपने देखा होगा जी, उसमें उन्होंने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपया हमने कलेक्टर्स को और जो निगम आयुक्त उनको दिया हुआ है कि इससे वो इनकी व्यवस्था करें। अब हिंदुस्तान के कलेक्टर्स को और निगम आयुक्त की उसे को बांटा जाए तो एक व्यक्ति के पास 12 लाख रुपये पहुँचता है। क्या 12 लाख रुपये से इतने लाखों लोगों की व्यवस्था बन सकती है, हो सकती है? तो इसमें एक तो अभी भी नियोजन की कमी है और चीजों को दूर तक सोच के काम नहीं किया जा रहा, दूरदर्शी सोच नहीं है कि इस संकट का एक बड़ा कारण ये कमी लग रही है जी। दूसरा जो संकट का कारण था, दूसरा संकट कारण ये था कि सरकार ने यह प्रयास किया कि मजदूर बंद तो रहे पर ये वापस ना जा पाए ताकि दोबारा जब कारखाने शुरू हो तो उन कारखानों को मजदूर मिल, ये बहुत अहम बात कर रहे हैं। उन्होंने ये मानवीय कल्पना नहीं की कि जब डेढ़ जी बहुत अहम बात कह रहे हैं, डेढ़ माह मजदूर बंद रहेंगे तो ये बगैर खाए बगैर भूखे ये लोग कैसे बंद रहेंगे, आखिर कब तक ये रहेंगे?
और पहला जो चरण हुआ लॉकडाउन के 21 दिन का उसको लोगों ने सह लिया, पर दूसरा जो चरण लगातार वो शुरू कर दिया तो लोग इसलिए बेचैन हुए कि उनको लगा कि हमारी जान चली जाएगी, जब भूख में से और पैदल चलने में से कोई चुनना है तो पैदल चल के मरना ठीक है बजाय भूख के। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो सरकारों ने योजना तैयार की है, जो काम कर रहे हैं, वो काम क्या वास्तव में कोई लाभ हो पाएगा, उनका मिल पाएगा? अभी मैं भाई चौधरी जी की बात को सुन रहा था और उन्होंने बताया कि योगी जी ने वहाँ पैसा डाला, निस्संदेह उन्होंने पैसा डाला, पर वो पैसा क्या उन मजदूरों का पहुँचा जो लोग काम करने के लिए गए हैं? आपके जनधन का खाता का पैसा, आपके यहाँ सामाजिक पेंशन का पैसा, ये पैसा उन लोगों के पास पहुँचता है जो लोग वहाँ रहने वाले लोग हैं। ये जो मजदूर लोग हैं इनके खाते वहाँ नहीं है, इनके पास वो पैसा कैसे पहुँचेगा? और अभी जो भारत सरकार ने पैकेज किए दिया है उस पैकेज को लिए तो अगर सही मायने कहा जाए तो ये तो केवल साहूकारी का पैकेज है जिसमें जनता के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल ठाकुर साहब, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, ये साहूकारी के पैकेज से कैसे काम चलेगा? और ठाकुर साहब आपने जो हाँ कि ब्रिटिश ब्रोकरेज ने कही, आप मैं जो आपको एक तथ्य बता रहा था कि ब्रिटिश ब्रोकरेज ने अध्ययन किया है 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपया है जो भारत सरकार नगद दे रही है, बकाया सब साहूकारी है कर्ज, इससे इनकी मदद नहीं होगी। ये जो कर्ज का पैसा है, ये जो कर्ज के नाम पर देने की बातें कही जा रही हैं ठाकुर साहब, मैं इसी को लेकर एक सवाल करना चाहूंगा। और आप जैसे काम कर रहे हैं जमीन पर, पीवी राजगोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एकता परिषद के संस्थापक हैं, और आप खुद जानते होंगे कि राजगोपाल साहब मजदूरों की आवाज उठाने के लिए कितनी पैदल यात्रा करते हैं, ये हम सभी ने देखा भी है। मैं चाहूंगा कि वो भी चर्चा में शामिल हो जाए, उसके बाद हम तोमर साहब से भी सवाल लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, और टीकाराम जूली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे। तो ये बात मैं आपको आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं जूली साहब के पास जाऊंगा, ये बात मैं पूरी कर दूं। जी हाँ, मैं ये बात जो कह रहा था कि भारत सरकार को चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर लौट के गए हैं, मोटा मोटी तौर पर इनकी संख्या भी हम लोग 1 करोड़ मान लें, इन 1 करोड़ के लिए वो कम से कम 20-25 हजार रुपया उनके यहाँ पहुंचाए, 20 हजार करोड़ रुपए में ये लोग वहां पर 2 माह 3 माह का समय काट पाएंगे। मनरेगा का जो पैसा भेजा गया है उस पैसे में इन मजदूरों के लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये पहुंचेंगे तब तक मानसून के आने का समय हो जाएगा, अभी 1-2 माह है, इस मनस्थिति में भी ये लोग नहीं रहेंगे कि ये काम करने की स्थिति में आ पाएं, इसे इनको तत्काल नगद पैसा देकर के संभालना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो, इनके खाने के लिए जो 5 किलो का राशन दे सरकार ने कहा है ये कम है, मेरी समझ है कि इसको कम से कम 10 किलो होना चाहिए, ठीक, और उसके देने के तरीके होना चाहिए। और तीसरी बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि इनके जाने से संक्रमण फैल जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए, आप तो खुद रोज समाचार दिखाते हैं, मैं इसलिए एक मैं चाहता हूं दूर जो पैदल चला है वो कोरोना से नहीं मरा, बिल्कुल कोरोना से नहीं मरा, कोरोना से मरने वाले दूसरे लोग हैं, कई लोग हैं जो भूख से मर गए हैं, संक्रमण फैलने ऐसी तस्वीर देखी है, और कुछ तस्वीरें ठाकुर साहब ऐसी आई हैं हमारे सामने जो सोचने पर हमें मजबूर करती हैं। एक जगह बैल लगा हुआ है, एक जगह बच्चा उसकी मम्मी के साथ जा रहा है सूटकेस पर लेटा हुआ। मैं चाहूंगा कि टीकाराम जूली जी को चर्चा में शामिल करूं, सरकार ने व्यवस्था की है, मैं चाहूंगा कि टीकाराम जूली जी को इस चर्चा में शामिल करूं, क्योंकि वो खुद श्रम मंत्री हैं, और ठाकुर साहब आपकी बात भी वो लंबे समय से सुन रहे हैं। मैं जो बात पूरी कर रहा हूं, हाँ करिए, आप पूरी करिए सर जी। तो मैं कह रहा था कि अभी जो चौधरी जी कह रहे थे, यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने बसों से लोगों को पहुंचाया जो झांसी के बॉर्डर पर रक्षा पर पहुंचे, तमाम अखबारों और मीडिया में खबर आई है कि वहां पुलिस ने उनको रोक दिया, उन्हें डंडे चलाए, बसों को अंदर नहीं जाने दिया। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लोगों को बुलाने की सुविधा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग आ रहे हैं जिनके लिए व्यवस्था ही दूसरों ने कर दी, आप उनको भी नहीं अंदर आने दे रहे हैं, तो ये कैसे आप कहते हैं कि हमें मदद कर रहे हैं? यही तो सवाल है सर, यही हम जानना चाहते हैं, जो आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। ठाकुर साहब, टीकाराम जूली जी, पीवी राजगोपाल साहब और तोमर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हम तीनों के पास पहुंचेंगे, तीनों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सवाल है उन मजदूरों का जो लगातार सड़कों पर चल रहे हैं, और उनकी भूख का सवाल है कि उनकी भूख कैसे मिटेगी, उन तक काम कैसे पहुंचेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली, और टीकाराम जूली जी
रघु ठाकुर साहब तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में अहम मुद्दों को उठाते रहे हैं, और राजगोपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीवी राजगोपाल जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले टीकाराम जूली जी, रघु ठाकुर साहब ने बहुत अहम बातें कही हैं, वो जमीन पर रहते हैं इसलिए वो बता रहे हैं कि लोगों तक मदद जो है पहुंच नहीं रही। आप तो खुद श्रम मंत्री हैं, अब श्रमिकों की समस्या राजस्थान में भी कम नहीं है सर, आप खुद देख रहे हैं, कैसे ये समस्या दूर होगी? देखिए, जो बातें कही गई है निश्चित तौर पर वो सही है और धरातल की रिपोर्ट, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमारे जो प्रयास रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा, जितनी कोशिश की गई, हमने मजदूरों को सड़कों पर पैदल नहीं कर दिया, हमने उनके लिए बसें चलाई, आज से पहले पैदल लगाई, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की और उस चीज को रोका। उसके बाद हमने यहाँ पे सेंटर बनाए, उनके लिए स्पेशल रूम बनाए और वहाँ पे उनका रहना खाना पीना अच्छे से हमने उन लोगों का किया, हमने उनको मेडिकल की सुविधाएं दी, हमने काउंसलिंग की और बहुत अच्छे से हमने उन लोगों को रखा। लेकिन उसके बाद क्योंकि आदमी कब तक इन सेंटर्स के अंदर रह सकता है, हर व्यक्ति जहाँ अपने घर जाना चाहता है वो लोग भी जाना चाहते हैं, ऐसे समय में भी हमने लगातार दूसरी सरकारों से कोऑर्डिनेशन करके और वहां पे इन मजदूरों को भेजने का। मेरा टीकाराम जुली जी एक सवाल है आपसे, क्योंकि हम जिस अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये कि एक तो मजदूर उनके घर पहुंचे, दूसरा ये कि अगर वो घर पहुंचेंगे तो जिन जिन मल्टी सिटीज की हम बात करते हैं जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे जो चल रहे थे वो मजदूरों की वजह से चल रहे थे, अब मजदूर जब वहां पर नहीं रहेंगे तो कैसे चलेंगी फैक्ट्रियां सर, कैसे अर्थव्यवस्था दौड़ेगी? आपका एकदम सही ये सवाल है और निश्चित तौर पर इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने अभी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर जो हमारी स्किल लेबर जो बाहर से आई है और हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं जिससे एक तरफ तो लेबर रहेगी, एक तरफ जो हमारे इंडस्ट्री है वो रहेगी, जिसको इस प्रकार के स्किल लेबर की जरूरत है वो लेबर हम उनको उपलब्ध कराए। सबसे पहली प्राथमिकता ये है, दूसरी प्राथमिकता ये भी है जो लेबर गई है, काफी लेबर अपने घरों पर पहुंच चुकी है, वो वहां के हालात देख के वापिस आना चाहते हैं। सर अभी तो संख्या उन मजदूरों की ज्यादा है टीकाराम जुली जी जो पहुंचना चाहते हैं अपने घर, वापस आने की संख्या तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, पहले तो मजदूर अपने घर पहुंचना चाहते हैं फिर वो वापस आएंगे, और मजदूरों के साथ लगातार पैदल चलने का काम किया है कई समाज सेवियों ने, और चौधरी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजगोपाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, और एकता परिषद के संस्थापक पीवी राजगोपाल साहब, आप लंबे समय से मजदूरों को साथ लेकर चलते रहे हैं, आपने ग्वालियर चंबल जैसे क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा तय की, और अभी ये यात्रा मजदूरों की चल रही है सर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां देखें वहां हमें मजदूर नजर आ रहे हैं सर, इनकी समस्या कैसे ठीक होगी? जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो जमीन पर हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या वाकई कोई प्री प्लान्ड नहीं है चीजें, या फिर एकदम से फैसले ले लिए गए इस वजह से उन तक मदद नहीं पहुंची? इसमें एक बात जो मैं समझ रहा हूं कि जब से लॉकडाउन हुआ भारत में, क्योंकि मैं बाहर हूं अभी, जी जी, कि पूरी पूरी दुनिया में हमारे बारे में जो चर्चा है वो बहुत दर्दनाक है, खराब है। तो क्या क्या मामला यह है कि श्रम शक्ति के प्रति भारत के सरकार और भारत के नीति निर्धारकों के मन में क्या दृष्टि है वो अचानक लोगों के सामने आ गया, कि लोगों को लगता अच्छा ये जो श्रम के प्रति इतनी इतनी खराब स्थिति है भारत में। तो एक तो हमारे इमेज जो है ग्लोबली बहुत खराब हुई है, जिस प्रकार के दृश्य हम सड़क पर देख रहे हैं। दूसरी बात, पिछले कई वर्षों में जैसे आपने कहा कि हजारों हजारों लोग ये कहने के लिए दिल्ली तक पदयात्रा करके, यात्रा करके, आंदोलन करके गए हैं, देखिए ये विकास के नीति जो है बदलनी चाहिए, क्योंकि इसमें गरीबतम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। कुछ लोग पैसा जरूर बना लेंगे लेकिन गरीबतम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने शहर का विकास तो किया, अब तो तगड़े लोगों को गांव में भी भेज रहे हैं जमीन लेने के लिए, जंगल लेने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो हम यहाँ भी जी नहीं सकते, वहां भी नहीं जी सकते, ऐसे हमको समुद्र और शैतान के बीच में डाल दिया है।
तो बिल्कुल ये बात कहने के लिए जितने हजारों लोग, मैं तो खुद ही 25,000 1,00,000 को लेके जाता हूं, आपने कहा, तो हमेशा हमने ये देखा कि सरकार के पास बात करने को समय नहीं है। पुलिस को भेज के इन बात करने वाले लोगों को खदेड़ने के अलावा इन लोगों को विकास विरोधी और देश विरोधी कहने के बदले इन लोगों की आवाज सुनने के लिए सरकार ने कभी समय खर्च नहीं किया। और आजादी से लेके अब तक, क्योंकि मैं एक छोटा सा, राजगोपाल जी, जो बातें आपने अहम बताई हैं उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस समय उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी। जयप्रताप जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप उन्हें भी सुनिए क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही हैं इस बात को लेकर तो चर्चा करेंगे ही जयप्रताप जी से। लेकिन अभी की जो समस्या है वो ये भी है जयप्रताप जी, दो व्यवहारिक समस्या इस वक्त आ रही है। एक तो ये कि मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, चाहे पैदल हो, बसें हो, ट्रेन हो, किसी ना किसी माध्यम से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। कुछ जो लोग सड़कों पर हैं उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। पहले मैं उन पर ही चर्चा करना चाहूंगा, क्या स्थितियां थोड़ी बहुत सुधर पाई हैं उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस पर राजनीति भी बड़ी तेजी से चल रही है। मैं तो समझा था कि आप कुछ स्वास्थ्य विभाग से मैं आऊंगा सर, उस पर ही आऊंगा, मैं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने कहा आपसे अच्छा, इस पर भी चर्चा की जाए, स्वास्थ्य पर भी मैं चर्चा करूंगा। अच्छा ठीक है। जो जानकारी मेरे पास है मजदूरों के पलायन से संबंधित, और थोड़ी बहुत बातें मैंने किसी की सुनी थी, मैं जानता नहीं हूँ कौन राजगोपाल जी थे, एकता परिषद के संस्थापक हैं, आप जानते होंगे, समाज सेवा में कई कार्य किए उन्होंने। अच्छा ठीक। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे पास 1,018 ट्रेन श्रमिकों के आ चुके हैं, जिसमें 11,80,000 लोग हमारे ऑफिशियली अन्य प्रदेशों से, जिनका पंजीकरण होने के बाद उनकी सूचीबद्ध जो आई थी उस हिसाब से हमारे प्रदेश में आए हैं। इसके अतिरिक्त जब आनंद विहार में प्रारंभ में ही जो लोग आए थे, लगभग 4 से 5 लाख लोग उस समय आए थे, और इस दोनों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो ट्रकों में छुप के या पैदल या साइकिल से, सब मिला के मेरा अनुमान है कि लगभग 17-18 लाख लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और अभी हमारे श्रमिक ट्रेन डेली 40 से 50 लोग आ रहे हैं। एक बात तो ये थी, अब दूसरी बात यह है जो उत्तर प्रदेश के अंदर की भी जो व्यवस्था है कि जो हमारे यहाँ श्रमिक आते हैं जो रजिस्टर्ड है वो हमारे क्वारंटाइन शेल्टर में उनको रखा जाता है। हमारे पास क्वारंटाइन शेल्टर के लगभग 12 से 13 लाख का पूरा व्यवस्था है आज के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर। वो जब आते हैं तो विभिन्न जिलों में उनको डाल के क्वारंटाइन शेल्टर में रख के, और उसके बाद उनका स्क्रीनिंग करना और बाकी जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उस आधार पर हम लोग करते हैं, वो उनको हम एक सवाल जयप्रताप जी मैं अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि जो क्वारंटीन सेंटर की जानकारी आप दे रहे हैं, अभी चुनौती उत्तर प्रदेश के सामने ये है, और ये बाकी प्रदेशों के सामने ही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के सामने नहीं है, जो मजदूर दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं उनमें भी कुछ संक्रमण की खबरें हमें मिल रही हैं, और उनका जो संक्रमण का रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? जी अब अच्छा हुआ आपने ये बात पूछा, मैं उसी पर आ रहा था। एक बात तो है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 17-18 लाख लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ, हमारे शेल्टर में जो व्यवस्था है, पहले उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होने के नाते उनको हम होम क्वारंटीन में भेज देते हैं। एक बात तो ये हो गई, जिनका सिम्टम होता है उनको 7 दिन के अंदर उनका फिर सैंपलिंग देना शुरू करते हैं, और सैंपलिंग लेने के बाद जो पॉजिटिव होता है उसको हम आइसोलेट कर देते हैं। हमारे लगभग अभी 78,000 बेड्स हमारे पूरी तैयारी में है पूरे प्रदेश के अंदर, तो हम उन जगहों पर भेजना शुरू कर देते हैं, और जो हमारा होम क्वारंटीन में जाता है वहाँ हमारे मेडिकल टीम, आशा वर्कर के साथ जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो एक एक होम क्वारंटाइन के परिवार को टेकअप करते हैं, उनका ट्रैकिंग करते हैं, और अभी तक हमारे पास 7,35,000 आशा वर्कर के द्वारा ये ट्रैक हो चुके हैं, जिसमें उनमें जो सिम्टम निकल के आ रहे हैं और उसी आशा वर्कर के एडवाइस पर हमने उनके भी सैंपलिंग किए हैं, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकलते हैं, तो इस तरह का व्यवस्था अभी हमारा चल रहा है और हम चला भी रहे हैं इसको। मैं जयप्रताप जी आपके पास लौट रहा हूँ, इस समय जयंत तोमर जी मेरे साथ हैं और वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम कुछ जानकारी अहम चाहते हैं मजदूरों की, क्योंकि
उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वहां से जो मजदूर आ रहे हैं, चाहे वो पैदल हो, बसों से हो, ट्रेन से हो, उनके बारे में बेहतर उनके पास जानकारी भी है और वो बेहतर उस तस्वीर को हम तक पहुंचाएंगे। जयंत तोमर जी, ये समस्या जो है, खुद स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हैं, श्रम मंत्री जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि समस्या जो है धीरे धीरे हमारे सामने नई नई आती जा रही है, लेकिन हम निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कामयाब हो रही है जमीन पर? ये कोशिश बिल्कुल कामयाब होती हुई फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है, और कोरोना का जो संकट है उसने हिंदुस्तान को एक खास सबक दिया है, पूरी दुनिया को तो जो दिया है सो दिया ही है। सबसे पहली बात तो ये सबक दिया है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे और वहाँ इतने गिरमिटिया मजदूर जाते थे, उस उपनिवेश काल का जो समय था उसकी दोबारा से याद ताज़ा की है, और उसने बताया है कि हमारे देश के अंदर दो देश बसते हैं, दो देश हैं, एक इंडिया है और एक भारत है, और भारत की सुध कोई नहीं ले रहा है। ये तो हम ये देख रहे हैं कि जी तमाम हजारों लाखों की तादाद में मजदूर जो है पैदल पैदल चल रहे हैं। अगर इनकी खबर, इनकी सुध उसी समय वहीं पे ले ली जाती तो फिर ये क्यों पैदल चलने को, इतनी दूर तक ये सवाल परेशान होने को क्यों? वाकई में सवाल तो उमर जी बना हुआ है। ये जो एक सवाल आपने उठाया, मैं चाहता हूँ कि इसमें चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमें जवाब दें। जयप्रताप जी के साथी हैं कैबिनेट में और उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। जो सवाल आपने उठाया मैं उसी को लेकर जा रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, सवाल यही उठ रहा है क्योंकि आपके पास डेयरी है, आपके पास मत्स्य पालन है और इसमें बहुत सारे पैकेज की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन सवाल यही है सर, पैकेज की घोषणा तो कर दी गई लेकिन इन विभागों को चलाने के लिए भी हमें मजदूर कहीं ना कहीं चाहिए होते हैं, श्रमिक चाहिए होते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, और वो व्यवस्था कैसे करेंगे, ये चुनौती बनी हुई है सभी के सामने। देखिए शर्मा जी, कहिए, आवाज नहीं आ रही। मैं सुन पा रहा हूँ, ठीक ढंग से सुन पा रहा हूँ आपको मैं। हाँ शर्मा जी जी, अच्छा, आदरणीय रघु जी ने WHO की बात कही थी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि WHO ने स्वयं ये बात कही थी, एक कोरोना वायरस के संबंध में सबसे अच्छा यदि प्रबंध है तो वो हिंदुस्तान में हुआ है। दूसरे नंबर आपने जो मजदूरों की बात कही, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था, वैसे लगभग 21 लाख अब तक हमारे प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, और मेरा क्षेत्र ऐसा पड़ता है जहां राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सब जगह से वहां मथुरा जिले में मजदूर प्रवेश करते हैं। हमने जितने भी मजदूर आए हैं सबको खाना, सबको बस, सभी को ट्रेन उपलब्ध कराई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जितने भी हमारे भाई यहाँ वापस आ रहे हैं हम सबको रोजगार देंगे, हम सबको खाना देंगे, सबको रहने के लिए मकान देंगे। इसलिए चूंकि अभी वो आते जा रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के बाद उनके खाने का प्रबंध किया जा रहा है, पहुँचाने का प्रबंध किया जा रहा है, मैं ये बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ एक हमारे प्रदेश में, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, यदि उन प्रदेशों में उन हमारे श्रमिक भाइयों को सम्मान दिया गया होता, रोजी रोटी दी गई होती, खाने का प्रबंध किया होता, तो आज ये 21 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आता। मैं इसके कोई आलोचना के तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा एक उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने मजदूरों के वो सम्मान के साथ मजदूरों को उन्हें ट्रेन और बस के द्वारा मैं एक सवाल करना चाहता हूं इस पर पहुंचाया है, उनकी टेस्टिंग कराई है, उन्हें इलाज की सुविधा मुहैया कराई है, उस तरह से मैं ये कह सकता हूं एक रोजगार भी उनको निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। छोटे छोटे कमेंट इस पर चाहता हूं, जैसे चौधरी जी आपने बताए हैं, मैं पहले जयप्रताप जी से एक छोटा सवाल करना चाहता हूं क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला, उसके बाद रघु जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कुछ आंकड़े जो आपने बताए थे
उसको लेकर चौधरी जी ने जवाब भी दिया है। जयप्रताप जी, स्थितियां आप खुद देख रहे हैं, संख्या जो है वो 21 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। डेंसिटी आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा है यहाँ पर, एक के बाद एक अगर देखें तो मजदूरों की संख्या आती जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? पूरी तरह से हम तैयार है और मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आज की संख्या, जितनी भी हमारी संख्या डे टू डे हमारी होती है पॉजिटिव केसेस की, हम मान के चलते हैं कि उसमें 80% हमारे श्रमिक भाई लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। उसके बावजूद जो आपने कहा 23 करोड़ की आबादी वाली उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास 5,819 केसेस पॉजिटिव हैं और हमारा जो रिकवरी रेट है वो कम से कम 60% है, तो हमारा रिकवरी रेट 3,335 है। तो एक्चुअली हमारे एक्टिव केस मात्र 2,332 है। ये मैं पूरी आंकड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि 23 करोड़ की आबादी के हिसाब से आप जोड़िए इसको, बिल्कुल इतनी संख्या अभी भी इतने अभी कम है और फिर भी हमारा व्यवस्था पूरा 1,00,000 बेड तक होने जा रहा है मई के अंत तक। हाँ। पॉजिटिव केस अगर मान लीजिए कोई ऐसे कोई फाट पड़ा कि माने इतने सारे संख्या आएगी तब भी 1,00,000 बेड की हमारी संख्या है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तैयारी है, उसमें हमारे पास वेंटिलेटर है, हर जनपद में हमारे का स्ट्रीमिंग का इंफ्रारेड थर्मोमीटर हर चीज का हमारे पास तैयारी है। जितनी भी संख्या आएगी हम मैक्सिमम टेस्टिंग करेंगे, पॉजिटिव केस निकालेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और सक्षम है इसको डील करने में। ठीक है, मैं टीकाराम जुली जी आपके पास आऊँ, उससे पहले रघु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो भारत में कैसी थी इसकी खुद तारीफ WHO कर चुका है। अब एक तरफ हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसकी अलग थ्योरी थी इस अलग काम करने की, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसको क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मंत्री जी की बात से? रघु ठाकुर जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, पीवी राजगोपाल जी का इस पर मैं कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद मैं टीकाराम जूली जी के पास जाऊंगा। राजगोपाल जी आप मुझे ठीक तरह से सुन पा रहे हैं तो आप क्या इस स्थिति को बेहतर मानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि विश्व के पटल पर स्थितियां इतनी बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन दावे अलग अलग तरह से किए जा रहे हैं चाहे वो सरकार कोई भी हो। सर आपका माइक पास कर लीजिए, आपने गलती से म्यूट का बटन दबा दिया है। ठीक है जी, हाँ अब मैं सुन पा रहा हूँ ठीक ढंग से, कहिए जी जी कहिए। हाँ कहिए। तो अभी, अभी 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 तो चर्चा ज्यादा ब्राजील को लेके होने लगे हैं कि वहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन भारत से जिस प्रकार की तस्वीर और न्यूज बाहर जा रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन भारत के मजदूरों के प्रति और उनके कठिनाइयों के बारे में बहुत नेगेटिव बनता जा रहा है। ये जो डैमेज हुआ है उस डैमेज कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट को भी काम करना होगा। इतना कह के बैठने से नहीं चलेगा कि WHO ने हमारे सर्टिफिकेट अच्छा दिया है, क्योंकि हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के बारे में अगर बहुत नेगेटिव तस्वीर गया हो तो उसको सुधारने का प्रयास करें। लेकिन मैं इस समय ये जो कहना चाहता हूँ कि रिलीफ के काम में इस समय सबको एक साथ जुटना है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ के कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इस समय कंपटीशन के बदले मिल के काम करने का समय है, क्योंकि लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। इस समय कितना अधिक मिलके काम कर सकते हैं और क्रेडिट किसको मिलेगा इसके चक्कर के बदले हम ये कहना चाहते हैं राजगोपाल जी, यही हम सरकारों से कह रहे हैं, इसलिए हम एक मंच पर ही इतने सारे मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं, अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। मैं टीकाराम जुली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रम मंत्री हैं। जी जी आप कहिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद में जाता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी स्थिति के बाद भी लेबर लॉस का जिस प्रकार का अनदेखा किया जा रहा है, अगर मिनिमम वेज एक्ट हो, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट हो, किस प्रकार इतने मजदूर बाहर चले गए
किसी भी पंचायत में रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं है। तो अभी इमीडिएट रिलीफ के साथ साथ लॉन्ग टर्म पर सोचने का समय है, इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है रघु ठाकुर जी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी बात रख लें। आखिरी कमेंट में टीकाराम जूली जी का भी लेना चाहता हूँ उसके बाद। जी जी, मैं एक तो बात ये कह रहा था शर्मा जी की, जो अभी चौधरी जी ने कहा, WHO ने जो गाइडलाइन जारी की थी वो दिसंबर माह में की थी, और सूचना कि महामारी फैल रही है ये सूचना उन्होंने दिसंबर में दी थी। जहाँ तक सवाल है प्रबंधन का, तो प्रबंधन के बारे में WHO के किसी अधिकारी की राय क्या है ये भिन्न हो सकती है। मैं मूल सूचना की बात पर बात कर रहा था कि मूल सूचना तो दिसंबर में प्राप्त हुई थी, और उसके बाद में जो कार्रवाई होना चाहिए थी, जो समय मिलना चाहिए था, उसमें विलंब हुआ। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार 19 मार्च को अपना संबोधन दिया, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, 25 तारीख से पहला लॉकडाउन हुआ। काश अगर ये जनवरी में हो जाता तो ये संकट शायद कुछ भिन्न स्वरूप की स्थिति में बन जाता। बिल्कुल। खैर, अब जो समय निकल गया, अब स्पष्ट है इस समय पर कि इन बातों को हल कैसे की जाए। एक बात मैं चौधरी जी को और बता दूं कि मैंने उनको एक स्पष्ट उदाहरण दिया था झांसी के पास के रक्षा का। वो सारे उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में, टीवी चैनल पर समाचार आए हैं कि जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी बसों से सेंधवा बॉर्डर से लेकर रक्षा बॉर्डर पर पहुंचाया था, उनको रोक करके वहां डंडे बरसाए गए। खाना तो दूर की बात है, डंडे दिए गए। थोड़ा सा समय कम था, आखिरी कमेंट चाह रहा हूं टीकाराम जूली जी का, और उनका इसलिए कमेंट चाहता हूं क्योंकि राजगोपाल जी ने श्रम कानूनों को लेकर बात की। 30 सेकंड का ही मेरे पास समय, टीकाराम जूली जी आप अपना कमेंट रख दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग गांधी जी के विचारधारा की बात करते हैं, जो सिद्धांतों में चल रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये सोचा है कि गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा कोई भी निर्णय हो हमें पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको इस निर्णय का क्या असर होगा? और शायद ये हम नहीं देख पा रहे हैं। हमने नोटबंदी लागू की हो, आप ही जानते हैं कौन लोग लाइनों में लटके मरे और कौन लोग लाइनों में नहीं लगे, और कई आज लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन जो किया गया है, आप सबको पता है कि एकदम लॉकडाउन किया, किसी भी प्रकार की कोई पहले से तैयारियां नहीं की। अब इसको लेकर टीकाराम जूली जी मिली जुली प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरह से हमारे सामने आई है। कुछ पार्टियां की मैं बात करूं, अभी हमें पता चला है यूपी गवर्नमेंट ने सारे श्रम कानून, सिर्फ 3 श्रम कानूनों को छोड़ के बाकी सारे निरस्त करने के लिए, वो श्रम कानूनों का जो बदलाव है उसको लेकर भी टीकाराम जूली जी यही कहा जा रहा है कि वो कानून जो बदले गए हैं वो श्रमिकों के फायदे के लिए बदले गए हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि फायदा कैसे होगा श्रमिकों का, जब तक उन तक मदद नहीं पहुंचेगी, खाना नहीं पहुंचेगा, वो अपने घर नहीं पहुंचेंगे, और घर पहुंच जाएंगे तो वापस कैसे लौटेंगे, फिर अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी, ये सवाल बना हुआ है। तुमर साहब आपके पास आना चाहता था लेकिन समय नहीं है, माफी चाहूंगा, आपसे सवाल नहीं ले पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, ये बताने के लिए कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही हैं। समाज से भी जो जुड़े उनका कहना है कि व्यवस्था जो की गई है वो एकाएक की गई है, इसके लिए तैयारी नहीं थी। तो क्या तैयारी नहीं थी, इसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ेगा, ऐसी तस्वीर हमें नजर आ रही है। समाज के लोग भी आगे आए ताकि मजदूरों की मदद हो सके, क्योंकि मजदूर बेबस है, इसे बेबस नहीं छोड़ना। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर।